Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, vastu consultant and an astrologer. Aaj ka ye hamara video hai regarding love tarot reading for all the zodiac sign for the month of October. Iske alawa main bahut hi tehe dil se sabko happy navratri wish karna chahti hu because 29 September se navratri shuru hone wali hai. So wishing you all a very happy navratri. इसके अलावा बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि जो भी रीडिंग्स साइंस के ऊपर बेस्ड होती हैं, क्या वो सन साइन के ऊपर बेस्ड हैं, मून साइन के ऊपर बेस्ड हैं, कि हम इसे कैसे अपने आप से रिलेट कर सकते हैं. नंबर वन थिंग मैं कहना चाहूँगी कि जितनी भी टैरो रीडिंग्स मैं अपने चैनल पे पोस्ट करती हूँ, ऑल ऑफ देम आर बेस्ड ऑन दी ज़ोडियक साइन, जिसे हम कहते हैं ना कि अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए अगर आप 5th of November को बॉर्न हैं, तो आप बस गूगल कर सकते हैं 5th of November ज़ोडियक साइन, तो आपको आ जाएगा स्कॉर्पियो. ये हो गया एक बेसिक डेट ऑफ बर्थ से अपना साइन निकालना. तो जो मेरी रीडिंग्स होती हैं मोस्टली वेस्टर्न ज़ोडियक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बेस्ड होती हैं. इसके अलावा लेकिन आप अगर मून साइन से कनेक्ट होते हैं, मान लीजिए आपका कुंडली में मून साइन लिब्रा है एंड आप मेरे चैनल पे लिब्रा का भी अपने लिए देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. आप लग्न से भी देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, एनीथिंग. बिकॉज जो मेरा मानना है वो ये है कि आप जिस भी साइन से सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वो तरीके से आप वीडियोस देख सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं. यू आपको अपने आप ही वो गट फीलिंग आ जाएगी कि ये वीडियो मेरे लिए बना है, इसमें जो सिचुएशंस है मैं रिलेट हो पा रहा हूँ. सो इट्स वेरी वेरी इंट्यूटिव रीडिंग्स होती हैं, इंसान भी अपने आप उसे समझ जाते हैं, हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं होती है, कार्ड्स ऑटोमेटिकली आपसे कम्युनिकेट कर लेते हैं. सो दिस आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन दिस टाइम. सो आई होप आप इसे समझ पाए हैं, अप्लाई कर पाएंगे. एंड सो विशिंग यू ऑल द गुड लक फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. एंड उसके अलावा चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन विल मूव फॉरवर्ड. हेलो कैप्रिकॉर्न्स, सो वेलकम ऑन दिस लव रीडिंग. मैंने आपके लिए ऑलरेडी रीडिंग्स करके रखे हुए हैं. सबसे पहली चीज़ बात करना चाहूँगी कि कैप्रिकॉर्न्स कैसा फील कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, लव एंड अफेक्शन. सो कैप्रिकॉर्न्स जो आपके लिए कार्ड आया, दैट इज़ द फोर ऑफ पेंटिकल्स. तो कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा मैनेज करते हुए दिख रहे हैं, एफर्ट्स लेते हुए दिख रहे हैं, अपनी पूरी एनर्जी आपने लगाई हुई है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो जाए, बैलेंस करें. कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को मे बी शायद आपने पकड़ के रखा हो, कुछ बातों को पकड़ के रखा हो कि ये चीज़ ऐसे ऐसे होगी तभी मैं खुश हूँ, या जब तक ये चीज़ नहीं होगी मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता. कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं ना कि मे बी इसे हम ये भी एनर्जी कहते हैं कि जहाँ पर आपने ऐसी आपकी इंटेंशन है कि आप उस इंसान को लेट गो नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि ये जो भी परिस्थिति हुई है लाइफ में, आप फिर भी रिलेशनशिप को बरकरार रखना चाहते हैं, आप रिलेशनशिप में वर्कआउट करना चाहते हैं. तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में. इस रिलेशनशिप को आप चाहते हो कि जो मर्ज़ी हो जाए ये वर्कआउट कर जाए एंड आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी एंड पॉजिटिविटी फिर से आ जाए. तो जो एनर्जी आपकी एफर्ट लेने की वो बहुत ज़्यादा है कैप्रिकॉर्न. सो आप रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए, कहते हैं ना कि काम से भी समय निकाल के, हेक्टिक लाइफ से भी समय निकाल कर आप उसे बैलेंस करो. इसके अलावा मैं कहूँगी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी थोड़ी सी स्ट्रगल दिखती है कैप्रिकॉर्न्स. अगर आप फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हैं, सो अगेन ये कार्ड उसकी तरफ भी इंडिकेट करता है कि शायद फाइनेंशियली भी आप थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे होंगे, पैसे को बैलेंस कर रहे होंगे, करियर में शायद चेंजेस हो रहे हों, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर, आपके जो पार्टनर के लिए कार्ड है दैट इज़ द एट ऑफ पेंटिकल्स. सबसे पहली चीज़ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि मे बी वो रिलेशनशिप में एफ़र्ट दे दे के मे बी थक चुके हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में वो एफ़र्ट दे रहे हैं, उन्हें ऐसा, उनकी भी एनर्जीज ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बहुत अब कर लिया. जैसे हम कहते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा काम करके एफ़र्ट लेके थक के बस बैठ जाते हैं. उन्हें, मैं ये नहीं कहूँगी उन्हें नेगेटिव लगता है रिलेशनशिप में काम करना या वो हार, चूँकि बट एक ऐसा फेज़ आ गया जहाँ पे उन्हें लगता है कि अब मैं ना थोड़ी सी कोशिशें करके ना थक गया हूँ, थोड़ा सा मुझे सहारा चाहिए, थोड़ी सी मुझे गैप चाहिए, ब्रेक चाहिए. बट वो भी रिलेशनशिप में एफ़र्ट ले रहे हैं. मैं ये नहीं कहूँगी कि रिलेशनशिप में उनका कोई हाथ ही नहीं है गिव अप करने के तौर पर, बस ऐसा है कि अब वो थोड़ा सा रुकना चाहते हैं, थोड़ा सा गैप लेना चाहते हैं. मेहनती हैं, हार्डवर्क हैं जो आपके पार्टनर है. कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करें इन टर्म्स ऑफ करियर, फाइनेंसेस, ऑनेस्ट पर्सनालिटी हैं, ट्रू हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो उनके हाथ में अभी नहीं है. कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई चीज़ से परेशान हैं, अपसेट हैं, कहीं ना कहीं गिव अप वाली एनर्जीज भी दिखती है, बट वो गिव अप करेंगे नहीं. तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी
आप दोनों की एनर्जी से कहीं ना कहीं, एक तो पैसे की दिक्कत कहीं ना कहीं बीच में हो सकती है दोनों की लाइफ में, कहीं ना कहीं पर्सनली अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ी सी स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं, नॉट अ मैसिव वन, क्योंकि आपके पार्टनर मेहनत बहुत करते हैं. कैप्रिकॉन्स, आपके पार्टनर काफ़ी मेहनत का काढ़ा है अपनी लाइफ में, मे बी वो अपनी हेक्टिक लाइफ में शायद आपको टाइम भी ना दे पा रहे, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल ना. बट अभी जो ये आपकी कार्ड्स आए आप दोनों के, ठीक है, नाउ अभी हम करंट सिचुएशन में अगर जाते हैं, दैट वॉट इज़ हैपनिंग करंटली, दो पहलू बन के आते हैं. सबसे पहली चीज़ एक ये दिखता है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इज़ गोइंग फाइन, वेरी वेल. देन ये कार्ड इंडिकेट करता है कि करंटली शायद कोई रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी, अपलिफ्टमेंट, कोई ऐसी चीज़ें देखी जा सकती है जहाँ पे मैरिज की बात होना, मैरिज के कमिटमेंट की बात होना, क्लैरिटी आ जाना, ये सारी चीज़ों के लिए कार्ड्स की अटेंशन दिखती है. लेकिन उसके अलावा अगर कोई अनबन चल रही है, किसी बात को लेकर बाधाएं हैं, कोई सिचुएशन है, देन दिस कार्ड इंडिकेट्स मे बी चांसेस हैं कि अभी जो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि चांसेस हैं कि जो रिलेशनशिप में आपके शायद जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, अभी जो इश्यूज हैं, मे बी वो शायद किसी थर्ड पर्सन की वजह से हैं. अब वो थर्ड पर्सन ज़रूरी नहीं कि इन अ वे लव रोमांस भी हो सकता है कि वो थर्ड पर्सन आपकी कोई भी एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, आपको लाइफ में प्रॉब्लम दे रहे हो, तो कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर लगती है. अब वो चाहे शक करना हो सकता है, रियलिटी में हो सकता है, इट कुड बी मैनी थिंग्स. बट कैप्रिकॉन्स की रीडिंग में ये जो करंट सिचुएशन की कार्ड है इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर, चांसेस आर हाई कि मे बी कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट है. इफ़ थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट नहीं है रिलेशनशिप में, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वर्कआउट होता हुआ दिख रहा है, तो करंट सिचुएशन में एक रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी देखी जा सकती है, ग्रोथ देखी जा सकती है. ये दो इंडिकेशन है, एक तो थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट दिखती है उसकी वजह से इश्यूज़ हो रहे हैं, या तो सिंपली कहीं ना कहीं रिलेशनशिप अगर स्टेबल है तो अक्टूबर मंथ में एक पॉजिटिविटी देखी जा सकती है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. तो अभी तक ये तीन कार्ड से ये एनर्जी टैप इन होती है. इसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर एनर्जी इन मंथ ऑफ अक्टूबर कैसी रहेगी, या जो सिचुएशन चल रही है उसमें आप अगर बाधाएँ चल रही है तो उसमें आप क्या इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो. सबसे पहली चीज़ नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है. यहाँ पर मैं कहूँगी दोनों ही पार्टीज़ में हार्डवर्क एंड पैशन अपनी अपनी लाइफ में वो लोग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. स्टेबिलिटी अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप में, या इम्प्रूवमेंट की बात करूँ, तो 10% दिखती है कि अक्टूबर मंथ में रिलेशनशिप हो सकती है. बट जैसे हम कहते हैं ना कि हमने ये सोचा कि ये हो जाएगा, अगर 100% की आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो वो 10% की इम्प्रूवमेंट दिखती है. कैप्रिकॉन्स, मेरे हिसाब से जो मेरे को ऑल ओवर गाइडेंस देनी होगी, ये जो एनर्जीज आई हैं आपके लिए, आपके लिए, आप पार्टनर की छोड़ दें, सिचुएशन की छोड़ दें, ये जो एनर्जीज है ना, ये वाला जो आपके लिए कार्ड था फोर ऑफ पेंटिकल्स का, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये सबसे पहली चीज़ इंडिकेट करता है कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी मोस्टली आपकी काम की तरफ भी हो सकती है. काम की वजह से आप ट्रैवल भी कर सकते हो अक्टूबर मंथ में. एनर्जीज़ कुछ इस तरीके से दिखती है, ये भी कह सकते हैं कि आप शायद से अपने पार्टनर को मिलने भी जा सकते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अगर वो आपसे दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दिस कुड इंडिकेट दैट ऑल्सो. बट मैं कहूँगी रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा माइनर लेवल पे इसके अलावा एक पॉजिटिव लाइट एंड पॉजिटिविटी दिखती है. पर फिर भी मैं कहूँगी छोटी मोटी बाधाएँ, छोटी मोटी इम्प्रूवमेंट, एक इसे हम कहते हैं ना रिलेशनशिप स्टेबल हो जाए कि ये चीज़ सॉर्ट आउट होगी और एकदम रुक गई, अब सब ठीक हो गया, वो वाली एनर्जीज उतनी अभी तक क्लियर नहीं है. तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड वही इंडिकेट करते हैं कि अप एंड डाउन स्पीड में, दो दिन में सब अच्छा हो गया फिर गड़बड़ हो गई, स्पीड में दो बार अच्छा हो गया फिर रुक गए, बिकॉज ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स कभी भी स्टेबिलिटी नहीं दे पाता. सो अक्टूबर मंथ में अगर आप स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट का वेट कर रहे हैं, तो वो इतना क्विक अनस्टेबल नहीं है. थोड़ी सी दिक्कत बाधाएं फिर भी बार बार बीच में दिखती हैं कैप्रिकॉन्स. तो ये कुछ इस तरीके की एनर्जीज दिखती हैं इस सिचुएशन में. मैं कहूँगी जो आपके लिए गाइडेंस कार्ड आया कहीं ना कहीं इस परिस्थिति में, दैट इज सरेंडर टू नॉन एक्शन. ये सिचुएशन में मैं कहूँगी, जैसे कि मैंने कहा कि इफ़ द सिचुएशन मल्टीपल हो सकती हैं, लेकिन जो आपके लिए गाइडेंस कार्ड है दैट इज़ सरेंडर टू नॉन एक्शन. जैसे कि नॉन एक्शन कार्ड का मीनिंग ये होता है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा हो सिचुएशन में, इस मंथ में आपको बहुत बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं. नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी सेम चीज़ इंडिकेट करता है, बिकॉज ये आउटकम कार्ड है आपकी सिचुएशन का. यहाँ पर अगेन द फोर ऑफ पेंटिकल्स है. ये सिचुएशन इतनी डिस्टर्बिंग कहीं ना कहीं हो रही होती हैं, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं इतना रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हैं आपको, ये सिचुएशन में इसके लिए आपके लिए गाइडेड है कि नॉन एक्शन, कोई भी बड़े डिसीजन ना, जिसे हम कहते हैं ना कि कैप्रिकॉन्स एकदम चुप हो जाएं, आपको थोड़े बहुत एफर्ट लेने रिलेशनशिप में ले लीजिए, लेकिन अगर बाधाएं चल रही तो शांत हो जाएं. अक्टूबर मंथ में इतनी क्विकली वो प्रॉब्लम सॉल्व होकर इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती हैं,
छोटे छोटे लेवल पे इम्प्रूवमेंट्स दिखते हैं. इट विल टेक टाइम कैप्रिकॉन्स, इट विल टेक टाइम. बट कैप्रिकॉन्स आई वुड लाइक टू नो, क्योंकि मुझे एनर्जीज में थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं से टैप होती है, भले ही वो टेम्पररी बेसिस पे हो. मे बी शायद आपको डाउट हो, पॉसिबिलिटी कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए एनर्जीज हो सकती, नॉट फॉर एवरीबडी, बट कुछ लोगों के लिए, कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए ये एनर्जी देखी जाती है कि मे बी थर्ड पर्सन की वजह से रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा है, डेविएट हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये चांसेस हो सकते हैं. बट उसके अलावा कैप्रिकॉन्स, अगर लाइफ में आपको लगता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, पैसे को लेकर अगर दिक्कत है, अगर आपके पार्टनर एडजस्ट कर लेते हैं, आप एडजस्ट कर लेते हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, अगर उसको म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से किया जाए, सो अक्टूबर में मैं कहूँगी 10% की इम्प्रूवमेंट पॉसिबिलिटी मैं फिर भी कह सकती हूँ हो सकती है, ये कार्ड्स में देखा जा रहा है ऑलमोस्ट की एनर्जी के हिसाब से. लेकिन जो मेरा ऑल ओवर सजेशन होगा, अगर बहुत ज़्यादा गंभीर सिचुएशन चल रही है, स्ट्रगलिंग है, देन इट्स बेटर, स्पेशली थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट अगर चल रही है, तो मैं बेटर कहूँगी कि आप चुप हो जाएं, शांत हो जाएं, ज़्यादा ना एक्सपेक्ट करें, ना अपने आप को एक्सप्लेन करें, अपने पार्टनर को टाइम एंड समय दे दें, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है, सही टाइम एंड सही परिस्थिति में वो आपको खुद फैसला लेके बता देंगे. आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड प्रेशर या खुद को ब्लेम ना करें कि शायद ये आपकी वजह से हुआ हो, या रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम दे दे, वो ज़्यादा बेटर होगा. सो कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ ऑल इज सीन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019 फॉर द रिलेशनशिप रीडिंग आपके लिए. आई होप मैं आपको कार्ड्स के मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन सही तरीके से समझा पाई हूँ, एंड इट हैज़ हेल्प्ड यू इन अ वे. एंड अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं, Do let me know in the comment box below. I would love to know Capricorns की कैसी आपके energies हैं, कैसा October month जा रहा है in terms of love and relationship. इसके अलावा अगर आप कोई personal reading चाहते हैं, so definitely मुझे contact कर सकते हैं. Description box में details available हैं. Thank you so much.